हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम नीट 2022 के आंसर की देखेंगे फटाफट बायोलॉजी के। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 101 एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, इसका ऑप्शन वन आएगा, ठीक है। 102 में क्या बोल रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, इसका आंसर टू आएगा, मेज, ठीक है। 103, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग क्यूमोस ऑस्मोसिस इट इन्वॉल्व्स, इसका ऑप्शन फोर आएगा, 103 का फोर आएगा। 104 में आपको थर्ड ऑप्शन आएगा, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है, ठीक है। 105 क्या पूछ रहा है, हाइड्रोक्लोराइड केरोजिन इज ऑप्टेन फॉर्म, ऑप्शन वन रोडोफाई से ओनली आएगा, ठीक है। 106 में आपको पहला वाला स्टेटमेंट जो दिया है डिकम्पोजिशन के रिगार्डिंग वो सही दिया है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, तो 106 का वन आएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 107 का आपका ऑप्शन फोर आएगा, ठीक है। एलनेस किसमें था, फ्रेंकिया में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 में ऑप्शन ए वाला रॉन्ग है, बाकी सारे स्टेटमेंट ही करेक्ट है, तो 108 का वन आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 101 द फ्लावर्स आर जाइगो मॉर्फिकिन, इसका ऑप्शन फोर आएगा, बी एंड सी, गुलमोर और कैसिया जो होता है वो उसमें जाइगो मॉर्फिक होता है, तो ऑप्शन फोर आएगा, बी एंड सी, ठीक है। 110 गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किसके लिए, फूड इज ट्रांसपोर्टेड के लिए होता है, तो 110 का भी आपको क्या आएगा, फोर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 111 में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इसमें से पॉलिनेशन के लिए इनकरेक्ट क्या है, तो मॉथ एंड बटरफ्लाई आर मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग इंसेक्ट, यही ऑप्शन गलत है, 11 का टू आएगा। 112 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, आपको दो स्टेटमेंट दिए, 112 का जो है आपको थर्ड स्टेटमेंट आएगा, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 113 जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन फोर आएगा, एक्स सी टू का एग्जाम्पल नेशनल पार्क जो था वो इन सीटू का एग्जाम्पल होता है, एक्स सी टू का नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 114 लैक्टिक एसिड फ्रेगमेंटेशन में आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी पूछ रहा है कितना परसेंट, तो लेस देन 7% आता, तो मतलब इसमें ऑप्शन टू आएगा। फिर 115 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें वेक्सिलरी एस्टिवेशन और डायडिफस स्टेमेन दोनों, इसका एग्जाम्पल होता है पी पाइजम स्टाइबम, तो 115 का फोर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 में आपको टोटल पांच स्टेटमेंट दिए जिनमें से ए सी और डी स्टेटमेंट जो है वो राइट है, तो 116 का क्या आएगा, फोर आएगा। फिर अगला है 117 में अगर हम देखेंगे तो 117 का जो है वो ऑप्शन थर्ड आएगा, ठीक है। अगला है 118 में क्या बोला, एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये इंसेक्ट्स में होता है, ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट है, तो 118 का भी थ्री आएगा। अगला है ग्रॉस ओपर आएगा, सॉरी इसमें ग्रॉस ओपर होगा 118 में, ठीक है। अगला है 119 में जो है वो ऑप्शन फोर आएगा, ठीक है, आप मैच द फॉलोइंग करेंगे तो 119 में ऑप्शन फोर आएगा, वैसे भी देखोगे तो बी का थर्ड सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, तो 119 में फोर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 120 में क्या बोल रहा है कि पर्टिकुलर मैटर को निकालने के लिए कौन सा यूज करते हैं एग्जॉस्ट, तो उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगता है, 120 का वन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 में पूछ रहा है कि आपको दो स्टेटमेंट दिया है, तो 121 का थर्ड आएगा, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अगला है 122 इनकरेक्ट मैच क्या है, तो 122 का फोर आएगा, क्योंकि यूलोथोरिक्स जो होता है वो ग्रीन एल्गे होता है, ठीक है, रेड एल्गे में मेनेटोर होता है। अगला है 123 का ऑप्शन वन आएगा आपको, ठीक है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कभी भी नहीं होगा, ठीक है। फिर अगला है 124 में आपको पूछ रहा है कि क्यूकुम्बर प्रोडक्शन के लिए रिसेंट ईयर में किसका है, तो इथिलीन का हम यूज़ करते, तो 124 का वन आएगा। नेक्स्ट है 125 में आपको ऑप्शन वन आएगा, ठीक है, मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में क्या गलत नहीं है, तो फर्स्ट वाला जो है वो आएगा, ब्लू कलर नहीं आता है, ठीक है। अगला है 126 का भी आपको वन ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 127 एपोप्लास्टिक पाथवे जो है उसमें क्या एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो 126 का भी आपको वन आएगा, ठीक है। अगला है 126 का भी वन आएगा, 127 का भी आपको वन ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 में क्या पूछा है, ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिंग्स एज सून एज, तो इसका ऑप्शन आएगा थर्ड, द स्मॉल सबयूनिट ऑफ राइजोसोम इनकाउंटर्स एमआरएनए, तो 128 का थर्ड आएगा। अगला है 129 में आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू टू मॉलिक्यूल, तो वन आएगा, दो ग्लाइकोलिसिस में दो नेट गेन होता है, ठीक है, तो ऑप्शन वन आएगा। 130 में पूछा है कि प्रीडेशन के कनेक्टेड कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत है, तो 130 का आपको वन आएगा, ठीक है, ठीक है। अगला है 131 में आपको क्या पूछ रहा है, हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन ओवर एक्सप्लोरेशन
एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड कोएक्सिस्टिंग, ये क्या करते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी लॉस करते हैं। तो 131 का भी वन आएगा। अगला है 132 का, आपको बोलना है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ वैस्कुलर बंडल्स। तो आपको पांच स्टेटमेंट दिए हैं, जिनमें से आपको इसमें से सिर्फ चार स्टेटमेंट ही करेक्ट है। तो 131 का फोर्थ आएगा, ए बी सी और डी, यही करेक्ट है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 133 में आपको डीएनए पॉलीमरफिज्म किसका बेसिस है, जेनेटिक मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंट। तो 133 का वन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, इसमें आपको पांच स्टेटमेंट दिए और नीचे आपको पूछ रहा है कि करेक्ट आंसर कौन है। तो इसका ऑप्शन थर्ड आएगा, ए और बी करेक्ट है, ठीक है। तो 134 का क्या आएगा, थर्ड आएगा। नेक्स्ट है 135 जो है उसमें आपको फोर्थ आएगा, ठीक है, ऑप्शन फोर दोनों। नेक्स्ट है आपको बॉटनी पार्ट का सेक्शन बी, ठीक है, 136 से। जो 136 क्वेश्चन है उसमें भी आपको पांच स्टेटमेंट दिए, इसमें भी आपको ऑप्शन फोर ही आएगा, ए सी और डी और ई, ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला है 137, आपको एक क्रोमोसोम के बारे में पूछा, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो 137 का जो आएगा वो थ्री आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 का, आपको जो फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है उसका वन आएगा, थैलेमस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 139 का आपको फोर्थ आएगा, आपको पूछा कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पूछा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कटने के लिए। तो 139 का भी क्या आएगा, फोर्थ आएगा। अगला है 140 का आपको क्या आएगा, फोर्थ आएगा, ठीक है। अगला है 141 में भी आपको फोर्थ ही आएगा, ठीक है। अगला है 142 में आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, तो इसमें आपको फोर्थ आएगा, ठीक है। अगला है 143 का भी आपको फोर्थ ही आएगा। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सेलरेट फॉस्फोरस साइकिल। तो 144 का भी आपको वन आएगा, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अगला है 145 में आपको जीन मैपिंग ऑप्शन होगा फोर्थ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट इनमें से किसमें, तो माइटोनिक डिस्ट्रॉफी में होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। तो 146 का भी क्या आएगा, फोर्थ आएगा। अगला क्वेश्चन है 147, आपको दो स्टेटमेंट दिए, बोल रहा है उनमें से कौन सा करेक्ट है या रॉन्ग है। तो आपका इसमें ऑप्शन 147 में आपको ऑप्शन वन आएगा। अगला है 148 का आपको थ्री आएगा, प्रीडेशन। नेक्स्ट है 149 में आपको पांच क्वेश्चन दिए, उनमें पांच ऑप्शन पांच वो दिए स्टेटमेंट, और आपको पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो 149 में वन आएगा, सी डी और ई, ये जो स्टेटमेंट है यही राइट है। अगला है 150 का पूछ रहा है कि ट्रांसपोजन कहाँ यूज होते हैं, तो जीन साइलेंसिंग में यूज होते हैं, तो ऑप्शन फोर्थ आएगा, ठीक है, ये फोर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं जूलॉजी सेक्शन में फटाफट, ठीक है। 151 में इन सीटू कंजर्वेशन रिफर्स टू, इसका थ्री आएगा। 152 का आपको जो क्वेश्चन पूछा, नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, 152 का टू आएगा। 153 में आपसे पूछा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेनिसिलियम से कौन सा है, तो कॉनिडिया होता है। तो 153 का आपको फोर आएगा। अगला आपको दो स्टेटमेंट दिए, राइट और रॉन्ग पूछ रहा है, तो पहला वाला जो स्टेटमेंट वो करेक्ट है और दूसरा वाला इनकरेक्ट है, मतलब कि 154 में फर्स्ट आएगा। 155 में आपको पूछा है टेगमिनाइन ए कॉकरोच अराइजेस फॉर्म, तो इसका जो है ऑप्शन फोर्थ आएगा, मिजोथोरेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 में जो आपको आएगा वो है वन, ऑप्शन वन C12H22O11, ठीक है। फिर है 157 में आपको ऑप्शन वन राइट है। नेक्स्ट है 158 में आपको बोल रहा है कि मीन वैल्यू के अलावा कहाँ मतलब डिसरप्ट वो हो जाता है, फैल जाता है स्पेसिफिक करेक्ट, तो डिसरप्टिव में फैलता है। तो 158 का भी आपको वन आएगा। अगला क्वेश्चन है 159 में आपको पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट राइट है, तो 159 में थर्ड आएगा। अगला है 160 में आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो न्यूरोगलिया होगा, सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 161 में आपको करेक्ट बोल रहा है मैच फॉर डिजीज और सिम्टम, तो आर्थराइटिस आएगा, इन्फ्लाम जॉइंट्स, तो 161 का थ्री। नेक्स्ट है 162, तो 162 में आपका थर्ड आएगा। नेक्स्ट है 163 में आपको जो ऑप्शन राइट है वो है सेकेंड वाला। नेक्स्ट है 164 में भी आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, न कि फर्स्ट। 165 में आपको फोर्थ ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन है 166, ड्रोसोफिला के बारे में पूछा पर वीक कितने इंडिविजुअल, तो 166 का जो है आपको फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। अगला है 167 में आपको जो करेक्ट अरेंजमेंट बोला है असेंडिंग ऑर्डर का,
वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला है 168 का आपको जो वो होगा वो ब्रीडिंग विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल हायर प्रोटीन हेल्दियर फैट, इसका आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। फिर अगला है 168, एक्चुअली मैंने 169 का फर्स्ट बताया, 168 का जो है ऑप्शन टू होगा, मतलब नाइट्रोजिनस वेट पैलेट के फॉर्म में किस में होता है, बर्ड्स में होता है, पैबो, पैबो मतलब पिकॉक, तो 168 का टू हो जाएगा, 169 का फर्स्ट। अगला है 170 का आपको जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो फोर्थ वाला है, ठीक है, काइनेटोकोर्स पे अटैच होता है, सेंट्रोमियर पे नहीं। फिर अगला है 171 का ऑप्शन फोर आपको राइट है, ठीक है। अगला है 172, डेट्रियोडस ब्रेक डाउन इंटू स्मॉलर पार्टिकल, दिस प्रोसेस इज डीकम्पोजिशन, ठीक है। 172 का आपको जो फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, डीकम्पोजिशन नहीं, तो फोर्थ आएगा 172 का। 173 जो है उसका आपको फोर्थ आएगा, जेड वाई एन जी ए जीन विल बी ट्रांसक्राइब्ड। फिर अगला है 174 का जो आपको इम्यूनो सप्रेसिव के लिए बोल रहे थे, उसका जो एग्जाम्पल है वो है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, तो 174 का थर्ड आएगा। अगला है 175 में आपको 5 ml सही आंसर होगा, तो फोर्थ आ जाएगा। अगला है 176, तो 176 का जो है पहला वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है, तो 176 का टू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि एडजेसेंट बोन बिटवीन द वर्टेब्रल कॉलम, तो इंटरकैलेटेड डिस्क होता है और उसमें भी कार्टिलेज आता है, इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं, तो 177 का फोर्थ आ जाएगा। फिर अगले में 178 में आपको लिपेस लूप का एग्जांपल पूछे तो नॉन मेडिएटेड होता है, तो 178 का फर्स्ट हो जाएगा। अगला है 179, आपको पांच स्टेटमेंट दिए, सही स्टेटमेंट्स पूछ रहा है, तो सही स्टेटमेंट फर्स्ट ऑप्शन है, बी डी एन ई मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है 180, नॉट परफॉर्म्ड सिक्रीशन फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड, तो इसका जो ऑप्शन आएगा 180 का वो आएगा सेकेंड। अगला है 181 का आपका जो है थर्ड ऑप्शन राइट होगा, पहला वाला स्टेटमेंट और दूसरा वाला स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है। अगला है 182 का जो है आपको फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है 183 में भी आपको क्या पूछा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इन प्रोकैरियोट ओनली आरईआर प्रेजेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता ही नहीं, तो 183 का वन आएगा। नेक्स्ट है 184, क्रॉप एंड गिजार्ड का आपको एग्जाम्पल पूछा है, ठीक है, तो 184 का जो है वो आपको सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 185 का आपको फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है और स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है। अगला है 186 का आपको ऑप्शन टू राइट हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। अगला है 187 का भी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो 187 का भी टू आ जाएगा। अगला है 188 में आपको ऑप्शन वन राइट होगा, 60 सेल्स, ठीक है। अगला है 189 में आपको सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा 100%। अगला है 190 का आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, तो 190 का आपको थर्ड राइट मिलेगा। अगला है 191 का जो है चौथा ऑप्शन राइट है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है बी डी और ई। 192 में आपको थर्ड ऑप्शन राइट है, 193 में आपको फोर्थ ऑप्शन राइट है और 194 में आपको सेकेंड ऑप्शन राइट है, 195 में आपको फोर्थ ऑप्शन राइट है, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू दोनों इनकरेक्ट है। 196 में आपको सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा, 197 में आपको थर्ड ऑप्शन राइट है, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था आपसे। 198 में आपको मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग में आपको सेकेंड वाला ऑप्शन राइट है। 199 जो क्वेश्चन है इसमें आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा, तो फोर्थ वाला जो है वो करेक्ट होगा, ट्रैक स्पीड एंड बाइक स्पीड वाला ओपन ड्यू टू द प्रेशर एग्जिटेड बाय द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एट्रिया, तो 199 का आपको फोर्थ राइट होगा और 200 है उसका आपको सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये हमने पूरा बायोलॉजी का नीट 22 का आंसर की है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, और इसका पीडीएफ फॉर्म में भी मैंने आंसर की डिस्क्रिप्शन में नीचे अपलोड कर दिया है। थैंक यू।